Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Maths by Brain Root series. Here is a book and the name of a book is Mathematics World Wins. And this is book primer. So today we will start chapter number 4 and the name of the chapter is Numbers Are Fun. Yes, so do you know how to count the numbers? यहाँ पे कुछ नंबर्स हम पढ़ेंगे जिसे पढ़ के हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है. सो द फर्स्ट टॉपिक इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आपको पता है क्या असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सो लेट्स लर्न व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबको आई थिंक काउंटिंग तो आती ही होगी. ए बी सी डी आती है सबको. ओके, सो ये जो है हमारे लेटर्स हैं, अब हम इन्हें काउंट करेंगे. 1 2 3 4 कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं. लेटर ए 1 नंबर पे है, लेटर बी 2 नंबर, लेटर 3 जो है सी जो है 3rd नंबर पे है और लेटर डी जो है 4th नंबर पे है. तो असेंडिंग ऑर्डर का जो पहला वर्ड क्या है, ए. क्या है? ए. तो ए कौन से नंबर पे है? 1 नंबर. तो 1 है सबसे छोटा और 4 है सबसे बड़ा. तो इसका मतलब हमें ए फॉर असेंडिंग में क्या लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है. तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग का जो पहला वर्ड है वो क्या है? डी. पहला लेटर क्या है? डी. डी कौन से नंबर पे है? 4 नंबर पे. अब 1 2 3 4 जब हमने काउंट किया तो देखा कि 4 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है. तो बड़े से हमें छोटे की तरफ जाना है. डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटे की तरफ और असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़े नंबर की तरफ. क्लियर? सो चलिए लेट्स अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग में क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे. तो पहला नंबर है 24. हम क्या देखेंगे, सबका पहला नंबर देखेंगे. तो सारे नंबर्स का पहला है 2 1 3 4. अब जल्दी से बताओ सबसे छोटा कौन सा इन सब में से? 2 1 3 4. कौन सा नंबर सबसे छोटा है? दिस नंबर. कौन सा नंबर है? 17. तो हम लिखेंगे 1 7 17. अब 1 के बाद ये तो हमने लिख लिया, अब कौन सा नंबर है जो उससे छोटा है? 1 के बाद आता है 2. सो हम लिख देंगे 24. अब 2 के बाद आता है 3, तो यहाँ पे आएगा 31. एंड फिर आएगा 40. ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आते हैं, सबका पहला वर्ड देखेंगे. 1 2 3. अब 7 तो अकेला है तो 7 से पहले एक 0 लगा देते हैं, तो यहाँ पे है 0. तो कौन सा सबसे छोटा है? 0. तो जल्दी से 7 लिख देते हैं. अब 7 के बाद आता है 1, तो 1 6 16. अब 1 के बाद आता है 2, तो 2 5 25. फिर है 3 3 9 39. तो हमने क्या किया, असेंडिंग में करना है, मीन्स छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं. तो सबसे छोटा है 7, फिर 16 है उससे बड़ा, फिर है 25 उससे बड़ा और फिर है 39. ओके, नेक्स्ट वन 2 3 1 एंड देन 0, क्योंकि 6 है यहाँ पे अकेला. तो सबसे पहले लिखते हैं 6, फिर लिखते हैं 1 6 16, फिर लिखते हैं 2 6 26 एंड फिर लिखेंगे 3 6 36. नाउ नेक्स्ट वन
अब दोबारा से देखते हैं, 4 1 2 1। ओ यहाँ तो दो बार वन आ रहा है और वन तो छोटा होता है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला वन छोटा है? तो अब क्योंकि दोनों ही में वन आपको दिख रहे हैं तो हम अगले नंबर को देखेंगे। यहाँ टू है और यहाँ पे है 8। अब जल्दी से बताइए, टू छोटा है या 8? यस, टू छोटा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 2 12, 1 8 18। ओके, अब ये दोनों तो लिख दिया। अब जल्दी से बताएंगे 2 और 4 दोनों में से कौन सा छोटा है? तो 2 छोटा है तो हमने लिख दिया 20 और 4 बन गया 44। सो नंबर क्या है? 12 18 20 44। सिमिलरली नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे है 50 40 10 20। तो सबका पहला वर्ड देखेंगे, सब में पहला क्या है? 5 4 1 2। तो 1 वाला पहले लिख देंगे 10, देन 20 40 एंड देन 50। क्लियर? नेक्स्ट अगले पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ओ यहाँ तो 3 3 1 आ गया। अब क्या करेंगे? सबका दूसरा वर्ड देखते हैं, 6 3 0। तो अब बताओ 6 छोटा है, 3 छोटा है या 0 छोटा है? यस, यू आर राइट, 0 छोटा है। तो हमने यहाँ लिख दिया 10। अब जल्दी बताइए 6 छोटा है या 3? तो 3 छोटा है तो हमने लिख दिया 3 1 3 13। अब बचा 1 6 16, और जो लास्ट में बचा है वो है 2 6 26। तो चिल्ड्रन, आई होप आपको समझ में आ गया। दीज टू क्वेश्चंस आपको खुद से करना है। ट्राई करेंगे विच वन इज स्मॉलर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। नाउ अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे, इसमें हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग में क्या करना है? बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो चलिए देखते हैं सबसे बड़ा नंबर क्या है। हम क्या करेंगे? फिर से वही करना है। सबका पहला नंबर देखते हैं। तो सबका पहला नंबर है 2 3 4 और 1। तो जल्दी बताइए सबसे बड़ा कौन सा है? 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 या फिर 1? सो 4 बड़ा है तो हमने लिख दिया 42। अब है 42 के बाद 32, क्योंकि 4 के बाद आता है 3। अब 3 के बाद आता है 2 22 एंड देन है 12। क्लियर? नेक्स्ट 10 9 7 8, कौन सा है सबसे बड़ा? 10। फिर आता है 9, नेक्स्ट 8 7। क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट है 18 28 10 एंड 33। तो सबके हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है? 3, तो 33 लिख देते हैं। फिर 33 से छोटा कौन सा है? 2, तो 28 लिख देते हैं। अब जो अगले दो नंबर बचे हैं उसमें 1 8 18 और 10। तो 1 तो दोनों में सेम है, अगला नंबर है 8 और 0। 8 बड़ा है या 0? 8, तो 1 8 18 और फिर आएगा 1 0 10। सिमिलरली 50 15 45 एंड 5। तो जल्दी से यहाँ पे देखते हैं 5 1 4 0। तो सबसे बड़ा है 5, लिख दिया। फिर उससे छोटा है 4, लिख दिया। अब उससे छोटा है 1, उसे लिख दिया। और सबसे छोटा है 0, उसे लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं सबका फर्स्ट डिजिट। ओ यहाँ तो सारे ही 4 हैं, चलो कोई बात नहीं, हम अगले नंबर को देखते हैं 4 2 6 1। अब जल्दी बताइए 4 बड़ा है, 2 बड़ा है, 6 है या फिर 1? सो 6 जो है सबसे बड़ा है तो हम लिखेंगे 46। ओके, 46 को अब हमने हटा दिया। कौन कौन से नंबर बचे? 4 2 1, कौन सा बड़ा है? 4, तो जल्दी से लिख देते हैं 44। अब क्या बचा? 42 एंड लास्ट बचा 41।
सो चिल्ड्रन आई होप आपको समझ में आ गया कैसे हमें इसे कंप्लीट करना है. नेक्स्ट 36, 33, 39, 40. तो पहला नंबर आएगा 40, फिर 40 से कम आता है 39, 39 से कम आता है 36, और 36 से कम आता है 33. सो दीज टू यू हैव टू डू योर सेल्फ, खुद से करेंगे आप इन दोनों क्वेश्चंस को. नाउ चिल्ड्रेन आफ्टर लर्निंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लेट्स लर्न बिफोर आफ्टर एंड इन बिटवीन. बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, and between means beech mein. So what comes after, what comes before, and what comes between. So after means forward counting karni hai. Kya karna hai? Forward counting. Jaise 1 ke baad 2, 4 ke baad 5, 10 ke baad 11. To jaldi se bataiye, 49 ke baad aata hai 50, 26 के बाद आता है 27, 40 के बाद आता है 41, 19 के बाद है 20, 22 के बाद है 23. So these two homework. Next, what comes before? Before means पहले, before means बी, और बी का मतलब है backward counting. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? Backward counting करनी है. तो 50 से पहले कौन सा नंबर आता है? 49. 48 से पहले 47. 10 से पहले 9. 42 से पहले 41. 20 से पहले 19. These two are homework. Next is what comes between. क्या बीच में आता है? तो 10 और 12 के बीच में आता है 11. क्यों? कैसे? 10, 11, 12. 47, 48, 49, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 19, 20, 21, and this is your homework. Clear, children? So before means pehle, after means baad mein, and between means बीच में. तो चलिए यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी कर लेते हैं, एंड कुछ आपको होमवर्क करने हैं. सो 30 के बाद है 31, 29 के बाद है 30, 33 के बाद है 34. सिमिलरली 33 से पहले है 32, 40 से पहले है 39, 31 से पहले है 30. सिमिलरली 23 के बाद है 24, 31 के बाद 32, 33, 29, 30, 31. सो ये जो बचे हुए क्वेश्चन है चिल्ड्रेन, दिस इज योर होमवर्क. नाउ चिल्ड्रेन लेट्स लर्न ग्रेटर देन. ये ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन एंड इक्वल टू. क्लियर चिल्ड्रेन? सो ग्रेटर देन ये जो साइन होता है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो माउथ है कितना ज़्यादा खुला हुआ है ना, ये सारे बिग नंबर्स को खा जाता है. और यहाँ पे जो है माउथ एकदम छोटा सा है, तो ये स्मॉल नंबर्स की तरफ हमें करना है. तो ये जो है, ये जो बिग माउथ है, ये क्या करेगा? सारे बिग नंबर्स को उसे खाना है. तो जहाँ भी बिग नंबर दिखे उसकी तरफ ये माउथ हमें ओपन कर देना है. सो लेट्स डू दिस. Put these signs to make each statement true. Remember, alligator likes to eat big numbers. ये जो alligator है, इसे बड़े numbers खाना अच्छा लगता है. So यहाँ पे देखते हैं, two numbers है 21 और 27. So which one is bigger? 21 और 27?
27 बिगर है तो चलिए एलिगेटर को 27 खिला देते हैं. नेक्स्ट है 50 एंड 36. विच वन इज बिग? 50. तो 50 की तरफ हमने माउथ ओपन कर दिया. नेक्स्ट इज 40. इधर भी 40 और उधर भी 40, मीन्स एलिगेटर कुछ नहीं खा पाएगा. तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू साइन लगा देंगे. नेक्स्ट इज 36 एंड 34. तो कौन सा नंबर बिगर है? तो दोनों में 3 है. बाद के नंबर को देखा तो 6 बिगर है, तो हमने एलिगेटर को 36 खिला दिया. नेक्स्ट 30 और 39, कौन सा नंबर बिगर है? 39. तो चलिए माउथ ओपन करते हैं 39 की तरफ. एंड सिमिलरली 12 और 16, कौन सा बिगर है? 16. तो हमने 16 की तरफ माउथ ओपन किया है. नेक्स्ट है 41 और 47, विच वन इज बिगर? 47 इज बिगर. 36 और 30 में से कौन सा बिगर है? 36 बड़ा है. 48 और 43 में से कौन सा बड़ा है? 48 बड़ा है. बाकी 3 आपको खुद से बताने हैं कि कौन सा बड़ा है और उसकी तरफ माउथ ओपन करना है. सिमिलरली चिल्ड्रेन, ये भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस भी आपको खुद से करने हैं. जो बड़े नंबर हैं उनकी तरफ माउथ ओपन कर दीजिए. नेक्स्ट इज टेंस एंड वंस. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, राइट टेंस एंड वंस फॉर द फॉलोइंग नंबर्स. तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनमें बताना है टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है और वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है. तो वंस इधर वाला है, टेंस इधर वाला है. सिमिलरली वंस यहाँ पे है और टेंस यहाँ पे है. तो जल्दी से देखते हैं, टेंस प्लेस पे है 6 और वंस प्लेस पे है 8. टेंस प्लेस पे है 6, वंस प्लेस पे है 2. टेंस प्लेस पे है 8 एंड वंस प्लेस पे है 3. अगेन टेंस प्लेस पे है 8 एंड वंस प्लेस पे है 6. टेंस प्लेस पे है 5 एंड वंस प्लेस पे है 6. सिमिलरली टेंस प्लेस पे 7 एंड वंस प्लेस पे है 8. टेंस प्लेस पे है 9 एंड वंस प्लेस पे है 7. अगेन टेंस प्लेस पे 9, वंस प्लेस पे 8. टेंस प्लेस पे है 9, अगेन वंस प्लेस पे है 9. टेंस प्लेस पे है 6 एंड वंस प्लेस पे है 7. तो आपको क्या बताना था, कौन सा नंबर वंस प्लेस पे है और कौन सा टेंस प्लेस पे. नाउ चिल्ड्रेन द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट द नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन नंबर्स को लिखना है, इन टेंस और वंस प्लेस को देखना है और नंबर बनाने हैं और उनके स्पेलिंग लिखनी है. तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है 5 टेंस की प्लेस पे है, 2 वंस की प्लेस पे है. तो ये वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस. तो 5 को हमने टेंस की प्लेस पे लिख दिया, 2 को वंस की प्लेस पे लिख दिया. नंबर बन गया 52 एंड 52 की हमने यहाँ पे स्पेलिंग लिख दी. सिमिलरली 7 टेंस की प्लेस एंड 5 वंस की प्लेस पे क्या नंबर बना? 75. तो चलिए जल्दी से लिखते हैं स्पेलिंग, एस ई वी ई एन टी वाई 70, एफ आई वी ई 5 75. नेक्स्ट है 8 टेंस की प्लेस पे है एंड 2 वंस की प्लेस पे क्या नंबर बना? 82. सो स्पेलिंग है ई आई जी एच टी वाई 80 एंड टी डब्ल्यू ओ 2 82. 9 टेंस 2 वंस. तो 9 टेंस की प्लेस पे 2 वंस की प्लेस पे क्या नंबर बना? 92. तो स्पेलिंग है एन आई एन ई टी वाई 90 टी डब्ल्यू ओ 2 92. नेक्स्ट है 7 टेंस 4 वंस. तो 7 है टेंस की प्लेस पे, 4 है वंस की प्लेस पे क्या नंबर बना? 74. तो जल्दी से लिखते हैं, एस ई वी ई एन टी वाई 70, एफ
O U R, फोर. नेक्स्ट है सिक्स टेंस की प्लेस पे और जीरो वंस की प्लेस पे, क्या नंबर बन गया? 60. S I X T Y, 60. क्लियर चिल्ड्रेन? सो ऐसे आप बताएंगे ये कौन से नंबर्स बन रहे हैं और उनके नंबर नेम्स लिखेंगे हम यहाँ पे. सो दिस इज योर होमवर्क. सो विद दिस चिल्ड्रेन वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. कौन कौन से नंबर्स पढ़े हमने, असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा, नंबर्स का पैटर्न पढ़ा और इसके अलावा आपने पढ़ा बिफोर आफ्टर बिटवीन एंड ग्रेटर नंबर को कैसे हम किधर ग्रेटर नंबर की तरफ हम माउथ ओपन करते हैं. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू विथ अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू चैप्टर. Till then, stay tuned and thanks for watching.